नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये है होंडा की होंडा यूनिकॉर्न 160R BS6 मॉडल, यानी इसे हम लोग 2020 मॉडल भी बोल सकते हैं, और ये BS6 के अपडेट के साथ आती है। तो अब इसमें जो इंजन मिलेगा वो आपको BS6 इंजन मिलेगा, और होंडा यूनिकॉर्न 160R काफी लोग को पसंद भी आती है। तो आपको ये बाइक कैसी लगती है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि BS6 के अपडेट के बाद इसमें आपको क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे और क्या क्या नए फीचर्स को मिलने वाले हैं, और BS6 के अपडेट के बाद इसकी प्राइस कितनी हो चुकी है। तो अगर आप इस बाइक को लेने वाले हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं मिंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, हमारी मेहनत अच्छी लग रही, तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे आने वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर के बारे में। तो इसमें आपको कुल 3 कलर आते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है इसका मेटालिक ग्रे कलर। इसके अलावा इसमें आपको 2 कलर और मिलते हैं। पहला मिलता है ब्लैक कलर, दूसरा मिलता है मेटालिक रेड कलर। उन दोनों कलर वेरिएंट का मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां चाहेंगे तो उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका कलर। अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसके फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है वही सेम आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन के दोनों साइड में आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 के अपडेट के बाद सभी बाइकों में देखने को मिल जाता है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा अपडेट किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए, सस्पेंशन के साइड में आपको ABS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको सिंगल चेन ABS देखने को मिल जाता है। और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वॉक मिल जाएगा, 240mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद सिंगल चेन ABS के साथ। तो आपको ब्रेकिंग क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। और इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा वॉक मिल जाएगा, 80-100-18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पे आप देखिए, टायर पे आपको ट्यूबलेस टायर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है वो आपको थोड़ा सा हार्ड फाइबर्स बनाया गया, तो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, आपको जो हेडलैम्प मिलता है ना, वो आपको बोल्ड लुक में मिलता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि हेडलैम्प के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश का लुक दे दिया गया है, जो कि काफी एग्रेसिव लुक देता है इस बाइक को फ्रंट से। और इसका जो फ्रंट हेडलैम्प मिलेगा वॉक मिल जाएगा, 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को नहीं मिलता है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि BS6 के अपडेट के बाद इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी भी इसमें को 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है। हेडलैम्प के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं बड़ा सा वाइजर देखने को मिल जाता है, वाइजर पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आता है ना, काफी प्रीमियम और काफी बोल्ड लुक निकल के आता है। तो आपको फ्रंट से इसका लुक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, आपको लेफ्ट हैंडल बार पे आपको सारे स्विचेस देखने को मिल जाएंगे, स्विचेस क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको लो एंड हाई बीम का स्विच, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। और एक बात और दोस्तों, इसका जो साइड मिरर मिलेगा ना, आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेगा। अगर आप इसका रेड कलर लेते हैं तो आपको रेड कलर में साइड मिरर देखने को मिल जाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो इसका जो मीटर कंसोल मिलता है वही आपको एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। इसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, एक छोटा सा अपडेट देखने को मिल जाएगा कि अब इसमें आपको मिलेगा इंजन मोड फंक्शन लाइट देखने को मिल जाता है, जो कि BS6 के अपडेट के बाद सभी बाइकों के मीटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। इसका यूज बस इतना होता है कि अगर आपके FI सिस्टम में या फिर इंजन में कोई खराबी आती है तो ये जो लाइट है ना ब्लिंक करती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपके FI सिस्टम में या फिर इंजन में कोई खराबी आ गई है, जिसे आप समय रहते हुए सही करा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट किया गया है कि अब आपको यहाँ पे इंजन कूल स्विच देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है, जो BS4 में आपको नहीं मिलती थी। लेकिन अब आपको इंजन कूल स्विच के साथ साथ आपको सेल्फ स्टार्ट का स्विच भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है होंडा की तरफ से। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, सीटिंग कंफर्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्यूल टैंक मिलेगा वो भी आपको मेटालिक ग्रे कलर में मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो मिलेगी आपको 13 लीटर की मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सीटिंग कंफर्ट है ना, इसको लेके पहले भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती थी, अभी भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इसका जो पिलियन ग्रैब रिम मिलता है वो भी आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए, आपको फ्यूल टैंक के दोनों साइड में आपको होंडा के 3D एम्बल्ड लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि इस बाइक के साइड से लुक को और भी ज्यादा एग्रेसिव बना देता है। और वहीं थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसके इंजन में आपको
काफी बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब इसमें से कार्बोरेटर पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यहाँ पे जो फ्यूल गेज मिलता था जिससे आप रिजर्व ऑन ऑफ करते थे, वो पूरी तरीके से इसमें से हटा दिया गया है। अब यहाँ पे मिलता है प्रोग्राम्ड FI यानी कि प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी। इससे होता क्या है, आपका जो पेट्रोल होता है ना वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है और उतना ही पेट्रोल सप्लाई होगा जितना कि आपके इंजन को जरूरत होगी। तो इसका सीधा असर आपके माइलेज पे देखने को मिलेगा। तो अब आपको जो माइलेज मिलेगा आपको 2 से 3 किलोमीटर BS4 के अपेक्षा में और भी ज्यादा अच्छा मिलने वाला, जो कि काफी अच्छा अपडेट किया गया है। और वहीं इसका जो इंजन मिलेगा वही सेम आपको 162.7 सीसी का 4 स्ट्रोक SI BS6 इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स पावर मिलेगा वो मिलेगा 9.5 किलोवाट का। अगर आप इस पे BHP में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 12.74 BHP का पावर मिल जाएगा 7500 RPM पे। इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो मिल जाएगा 14 Nm का 5500 RPM पे। फ्यूल सप्लाई सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, प्रोग्राम्ड FI देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको PLM फुटेज देखने को मिल जाता है। और वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके रियर से, तो यहाँ पे देखिए सीट के दोनों साइड में आपको यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा लुक दे देता है साइड से। और यहाँ पे देखिए आपको इसका जो चैन मिलेगा आपको फुल्ली कवर चैन मिल जाता है, जो कि आपको लो मेंटेनेंस चैन लगाया गया है। तो अगर आप इसे टाइम टू टाइम चैन लूज चैन क्लीन करते रहेंगे तो आपको चैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे आपको लेडी फुटरेस्ट मिसिंग होगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको लेडी फुटरेस्ट इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप बाइक को परचेस करेंगे तो कंपनी वाले आपको इसमें लेडी फुटरेस्ट लगा के दे देंगे, जो कि काफी अच्छा है। आपकी घर की जो लेडीज होती है वो भी इस बाइक पे कंफर्टेबली बैठ सकती है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका रियर। अब बात कर लेते हैं इसके टेल लाइट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसका जो टेल लाइट मिलेगा वो भी आपको बल्ब टेल लाइट मिल जाता है, जो कि सिग्नेचर टाइप का मिलता है। इसमें आपको 21/5 वाट का बल्ब देखने को मिल जाता है। इसका जो साइड इंडिकेटर मिलेगा उसमें भी आपको 10 वाट का बल्ब देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको जो नंबर प्लेट लगाने का जो जगह मिलती थी, पहले आपको यहाँ पे एक लोहे की पट्टी मिलती थी जिसपे आप नंबर प्लेट सेट करते थे, लेकिन अब इसमें से लोहे की पट्टी जो थी ना वो हटा दिया गया है। तो अब आपका जो नंबर प्लेट होगा ना वो रियर फेंडर से अटैच होगा, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि आपका नंबर प्लेट टूटने न पाए, क्योंकि अगर आपका नंबर प्लेट टूटेगा तो आपका जो रियर फेंडर है ना वो भी टूट जाएगा, तो आपका जो खर्चा होगा इसको रिपेयर कराने में वो ज्यादा आएगा, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका टेल लैम्प। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके रियर सेक्शन से। तो यहाँ पे देखिए इसका जो एग्जॉस्ट मिलता है ना वो बॉडी कलर से मैचिंग मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लुक दे देता है, काफी अच्छे प्रीमियमनेस को इसके बढ़ा देता है। और वहीं इसका जो रियर टायर मिलता है वॉक मिलता है 100/90 18 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। इसका जो ब्रेक मिलेगा वॉक मिल जाएगा ड्रम ब्रेक मिल जाएगा जिसकी साइज है 130 mm। तो आपको फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है और रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है विद सिंगल चेन ABS के साथ, जो कि काफी अच्छी बात है। तो आपको इसमें ब्रेकिंग क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगा वॉक मिल जाएगा हाइड्रोलिक टाइप का मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको राइडिंग में काफी अच्छा कंफर्ट देने वाली है। तो चलिए आपको इसका सस्पेंशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन लिखा हुआ मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको मोनो सस्पेंशन लगा हुआ मिल जाता है। तो आपको राइडिंग के टाइम पे ये काफी अच्छा कंफर्ट फील कराने वाले, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आपको किक और सेल्फ दोनों सुविधा देखने को मिल जाती है। तो बाई चांस आपके बाइक के सेल्फ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इस बाइक को किक मार के स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा है। इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए आपको एग्जॉस्ट के फ्रंट में आपको एक मोटा सा पाइप देखने को मिल जाता है, जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर है, जो कि BS6 के अपडेट के बाद सभी बाइकों के एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और ये एक तरीके का पहचान है BS6 की बाइकों का। इसका यूज बस इतना होता है, जो आपका इंजन से जो पेट्रोल जलने के बाद जो घातक गैसें निकलती हैं जिसे हम NOx गैस कहते हैं, उसे ये फिल्टर करके बाहर कम उत्सर्जित करता है, जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण कम होता है। तो ये काफी अच्छा अपडेट किया गया है पर्यावरण को साफ रखने के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते इसके थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलेगा 2081 mm का। इसका जो हाइट मिलेगा वॉक मिलेगा 1103 mm का। इसका जो व्हील बेस मिलेगा वॉक मिलेगा 1335 mm का। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा वॉक मिलेगा 187 mm का। इसका जो कार वेट मिलेगा वॉक मिल जाएगा 140 kg का। इसका जो सीट हाइट मिलेगी वॉक मिल जाएगा 798 mm का। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका डायमेंशन। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो एक्सोरूम प्राइस निकल के आता है वो निकल के आता है 94,936 rupees एक्सोरूम UP वाराणसी का प्राइस। और इसका जो ऑन रोड प्राइस निकल के आया जिसमें आपको इंश्योरेंस फीस RTO फीस सब कुछ इंक्लूड करने के बाद कंप्लीट बाइक आपको कितने में पड़ेगी, वो आपको पड़ेगा 1,14,000 से 1,18,000 के बीच में आपको ये बाइक कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको इसका एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना है तो आपको इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको एजेंसी का डिटेल मिल जाएगा। वहां चाहेंगे तो डायरेक्ट एजेंसी पे कॉल करके इस बाइक का एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जान सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ चेंजेस थे जो इस बाइक में किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है और दिखा दिया है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी, ये चेंजेस आपको कैसे लगे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, हमारी मेहनत अच्छी लग रही, प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दिएगा। और चैनल पे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे नए वीडियो को मिस न कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।